नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo X60 versus Xiaomi 11i Hypercharge का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X60 में 6.28 इंच जबकि 11i Hypercharge में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X60 में 2.95 इंच जबकि 11i Hypercharge में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X60 में 0.29 इंच जबकि 11i Hypercharge में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि X60 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो X60 में 176 ग्राम जबकि 11i Hypercharge में 204 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि X60 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो X60 में 19:8:9 जबकि 11i Hypercharge में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X60 में 6.56 इंचेस जबकि 11i Hypercharge में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X60 में 1080x2376 और 11i Hypercharge में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X60 में 86.8% जबकि 11i Hypercharge में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X60 में 398 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 11i Hypercharge में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X60 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 11i Hypercharge की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X60 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 11i Hypercharge की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X60 में Adreno 650 जबकि 11i Hypercharge में Mali-G 68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X60 में Qualcomm Snapdragon 870 और 11i Hypercharge में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो X60 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि 11i Hypercharge में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X60 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 11i Hypercharge में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो X60 में नहीं है, जबकि 11i Hypercharge में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी X60 में 4300 mAh जबकि 11i Hypercharge में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X60 में 2 कलर्स जबकि 11i Hypercharge में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X60 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 37,980 रुपीज़
12 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 39,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 11i हाइपरचार्ज की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Vivo X60 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi 11i हाइपरचार्ज की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 11i हाइपरचार्ज आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Pro है, दूसरा Vivo V23 Pro 5G है, तीसरा Vivo V23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo IQ7 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।